नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज ये वीडियो कुछ अलग होने वाला है, आई ओपनिंग वीडियो होने वाला है। तो जिन लोगों को भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, ये वीडियो उनके लिए होने वाला है। जिन लोगों को भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है और चाहते हैं कि हम पैसा कमाएं स्टॉक मार्केट से, हमें इंटरेस्ट है, हम स्टॉक मार्केट बहुत दिनों से कर रहे हैं और कर नहीं पा रहे बट कमाना चाहते, तो आपके लिए ये वीडियो है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना मुमकिन है। आप अगर एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स चाहते हो स्टॉक मार्केट से, तो ये मुमकिन है। आप अगर बोलते हो कि मुझे फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है, फुल टाइम स्टॉक मार्केट ही करना है, फुल टाइम मैं करूँगा तो स्टॉक मार्केट ही करूँगा, बाकी कुछ नहीं करूँगा, फिर भी इससे पैसा कमाना मुमकिन है। एक रेगुलर इनकम सोर्स कमाना या फिर एक मंथली इनकम सोर्स कमाना, ये भी मुमकिन है। बट आपने जो टाइटल है या फिर थंबनेल है वो पढ़ा ही होगा वीडियो का, कि क्विक मनी अगर चाहते हो तो फिर ये मुमकिन नहीं है। ये आई ओपनिंग वीडियो होने वाली है, वीडियो को ज़रूर देखना और पूरा देखना, यानी आपको रियलिटी जो है वो मैंने खुद जो एक्सपीरियंस की है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप रिलेट कर पाते होंगे तो मुझे कमेंट में बताना कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। मेरा एक्सपीरियंस कुछ गलत भी हो सकता है, बट मैंने जो रियल में एक्सपीरियंस किया है वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो अभी तक पहली बार मेरे चैनल को देख रहे होंगे, पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, तो सब्सक्राइब कर देना। ऑलरेडी अगर सब्सक्राइब किया हो तो लाइक कर देना। कुछ रिलेट कर पाए होंगे वीडियो से पूरा देखने के बाद तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, पैसा कमाना मुमकिन है स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट एक पैसा, जो लोग बोलते हैं कि कुआ है, बहुत गहरा कुआ है, समंदर है पैसों का, इसमें से हम पैसा कमा सकते हैं, एक फुल टाइम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, बच्चे से लेकर बड़ा आदमी, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, फार्मर, बिजनेसमैन, कोई भी कर सकता है। जो एक जॉब भी करता होगा वो भी इससे पैसा कमा सकता है। बट उसके लिए कुछ सीखना तो ज़रूरी है ही, बट कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो इसमें पैसा बनता है बट क्विक नहीं बनेगा। जो भी लोग इसको देख के आए हैं मार्केट में, मैं खुद एंटर हुआ था, फ्यूचर ऑप्शंस एंड ऑल वो सब चीज़ें देख के आया था। कल की अगर, परसों की अगर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी देखी होगी तो आपको समझ में आया होगा कि 1,00,000 रुपये के उस दिन जो है वो 4.5 करोड़ रुपये बन गए। वो 50-50 पैसे के जो कॉल थे या फिर 1 रुपये के जो कॉल थे, 5 रुपये के जो कॉल थे, वो डायरेक्ट 400 के हाई लगा के आ गए, यानी इतना पैसा बना। तो ये एक ही दिन बनेगा, साल भर में, महीने भर में एक दिन बनेगा, बट ये क्विक मनी बनाना या फिर फास्ट मुझे पैसा बनाना है, रातों रात अमीर बनना है, ऐसा स्टॉक मार्केट नहीं है। उन लोगों के लिए जो ऐसा सोच कर आते हैं मार्केट में कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊँगा, मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, उसके लिए ये नहीं है। एक रियलिटी वाली बात बताऊंगा, खुद सोच के देखना, समझ के देखना, खुद को ये सवाल पूछ के देखना कि जो भी आप रील्स देखते होंगे, वीडियोस देखते होंगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे मार्केट में आए ज़िंदगी बदल गई उनकी, घड़ियाँ खरीद रहे लाखों के, गाड़ियाँ खरीद रहे करोड़ों की, दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहूँगा, आप खुद देख सकते हो, मैंने ये गाड़ी खरीद ली, मैंने वो गाड़ी खरीद ली, एक महीने के अंदर ये मेरा प्रॉफिट, ये मेरा ये सब कुछ। अगर इतना ही आसान होता गाड़ियाँ खरीदना तो क्यों लोग पढ़ाई करते, सब लोग यही क्यों नहीं करते? अगर अंबानी, अदानी ये लोग सब बिजनेस छोड़ के क्यों स्टॉक मार्केट के पीछे ही ना सब कुछ लगा देते, और क्यों ऐसे लोगों को, एक्सपर्ट लोगों का हायर करके घर पर बैठा देते कि ये करो मेरे हजारों करोड़ मैनेज? सब लोग यही कर रहे होते ना, अगर इतने रातों रात या सालों, दो लोग बोलते एक साल दे दो, दो साल दे दो, पढ़ाई करनी पड़ती है, 4 साल दे दो, जो 5 साल टिक गया, जो 3 साल टिक गया वो इसमें टिक गया। समझ, ये सच्ची है कि आप अगर कुछ समय देते हो मार्केट में तो आप टिक जाओगे, ठीक है, बट रातों रात अमीर बनने की यहाँ पे कोई स्कीम नहीं है। क्योंकि मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, खुद सोच के देखना, सब लोग सब छोड़ के क्यों, इतने जो पढ़ाई वाले लोग होते हैं, हमसे तो कोई ना कोई पढ़ाई में बेटर होगा ना, हमसे तो कोई ना कोई साइकोलॉजी में बेटर होगा ना, हमारे से तो डिसिप्लिन बेटर फॉलो करता होगा ना लाइफ में,
वो भी इधर पैसा नहीं कमा पाते, फ्यूचर ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, या फिर जो लोग सोच के आए कि स्टॉक मार्केट में बहुत रातों रात अमीर, या फिर मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, मैं दिन के लाखों रुपए कमाऊँगा, ये सब कुछ गलत है। खुद का एक्सपीरियंस बोलता है मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। उस नज़रिए से आपको बताऊँगा कि लाख रुपए के महीने के ऊपर मेरा सिर्फ जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, प्रॉफिट होता है वो होता है। एक लाख रुपए के ऊपर मेरा जो है वो सिर्फ प्रॉफिट से आता है, यानी मार्केट से आता है। इसमें मैंने डिविडेंड भी ऐड नहीं किया। डिविडेंड मेरा 30, अभी ये महीने ये साल का मेरा 30,000 के ऊपर डिविडेंड हो गया। डिविडेंड इनकम अलग आती है, सबके अगर मेरे फैमिली के अकाउंट्स अगर मिला दूँ तो अलग अलग इनकम आती है। बट वो भी मैंने सब कुछ छोड़ के सिर्फ मैं मेरा स्विंग ट्रेडिंग का बता रहा हूँ कि एक लाख के ऊपर चले जाता हूँ, फिर भी मेरे लाइफ में क्या बदला है? मेरा जो भी कैपिटल होगा, अगर मैं उसको कैपिटल को दुगना भी कर दूँ, ठीक है, बट एक आम आदमी कहाँ से लाएगा पैसे दुगने करने के लिए? अगर मैं जितना कैपिटल अभी यूज़ कर रहा हूँ उसके अगर डबल कैपिटल करता हूँ तो दो लाख रुपए महीना कमा लूँगा। बट जो डबल वाली स्कीम है कि 10 लाख को 20 लाख कर दिया, 10 लाख को करोड़ों कर दिया, 1 लाख को 2 कोटि कर दिया, मैंने ये गाड़ी खरीद ली, वो गाड़ी खरीद ली, ये एक रियलिटी वाली बात नहीं है। रियलिटी वाली बात क्या है कि मैं मेरा घर चला पा रहा हूँ, मैं छोटी मोटी चीज़ें खरीद पा रहा हूँ घर वालों के लिए। अभी मैंने 3-3.5 लाख का सोलार बैठा है घर पर, सादे जो भी मेरे छोटे मोटे शौक है वो पूरे कर पा रहा हूँ, या फिर घर का खर्चा चला पा रहा हूँ, घर चला पा रहा हूँ, ये जो है वो रियलिटी वाली बात है। बट मैं आपको अगर शो ऑफ करूँ या फिर मैं अगर बोलूँ कि मैंने गाड़ी खरीद ली, मेरी ज़िंदगी बदल गई, तो आप खुद सोच के देख लेना कितने लोगों की बदली है, और ये जो लोग दिखा रहे हैं उनका सच में उतना इनकम है या फिर कुछ अदर सोर्स ऑफ इनकम है, खुद सोच के देख लेना। ये सब देख के अगर आप कर रहे होंगे या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होंगे या मार्केट में आए होंगे तो ये छोड़ दीजिए, ये रियलिटी वाली बात नहीं है। क्योंकि आप खुद ही सोच के देख लेना, सब लोग यही कर रहे होंगे, कर रहे होते, या फिर हर स्कूल में यही कुछ पढ़ाया होता, इतना भी आसान नहीं होता है। तो रियलिटी वाली बात यह है कि क्विक मनी अगर आपको बनाना है या फिर आप सोच के आए होंगे कि मार्केट से मैं अमीर बन जाऊंगा या मेरा पैसा डबल हो जाएगा, तो ये बात सच नहीं है। एक आप इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो, एक फिक्स इनकम सोर्स भी जनरेट कर सकते हो, अगर ऑप्शन सेलिंग वगैरह वगैरह बहुत से स्ट्रैटेजीज होते हैं, बहुत से तरीके होते हैं। आप एक बार जब मार्केट को समझ जाते हो, प्रॉपर वे आपको मिल जाता है, तो आप अलग अलग रास्ते निकाल ही लेते हो अपने लाइफ में कि मार्केट से मैं कैसे पैसे बनाऊँ। जैसे बोला कि कुआ है या समुंदर है पैसों का, तो आपको जब छोटा छोटा अमाउंट निकालना है, आप बोलोगे मुझे 100% रिटर्न चाहिए या 200% रिटर्न चाहिए, वो भी मिलेंगे पर इतने जल्दी रातों रात नहीं मिलेंगे। वो भी स्टॉक में आप कितना इन्वेस्ट करते हो, कितने देर के लिए रुकते हो, डिविडेंड बोनस, उससे वेल्थ बनती है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनती है। जो ऑप्शंस ट्रेडिंग लोगों को बहुत पसंद है, 90% लोगों को ऑप्शंस ट्रेडिंग पसंद है, बट वो 90% लोग लॉस भी कर रहे हैं। कितने लोगों को हुआ होगा वो निफ्टी का जो भी एक्सपायरी हुई, वो कितने लोगों ने पकड़ी होगी, या एक ही दिन तो मिली है ना, दूसरे दिन कल क्या हुआ? कल निफ्टी कहीं पे भी नहीं गया, वही 40-50 पॉइंट के रेंज में घूमते रह गया। सेंसेक्स ने बताया तो सही कि मैं ऊपर जाऊंगा नीचे जाऊंगा, पर कहीं पे नहीं गया, सब प्रीमियम जीरो हो गए। परसों के दिन जो मुँह आया वो कल नहीं आया। तो एक ही दिन में, और इतने बड़े जो हम जिसको देख के इंस्पायर्ड हुए, बहुत सारे लोग, हर्षद मेहता का, तो आप वो वाला डायलॉग या फिर उनकी जो लाइन है वो उन्होंने कभी तो भी बोली थी कि ऑप्शंस करने वालों की, ऑप्शन बाइंग करने वालों की जेब खाली, या फिर ऑप्शन सेलिंग जो करेगा उसकी तिजोरी खाली। ये सब इनसे वो दूर ही रहते थे। वो क्या करते थे? स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहते थे। तो जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी कह के गए तो क्यों पढ़ना है, जब रियलिटी हमें समझ में आ रही है या फिर हम समझ सकते कि सच में खुद समय दे के देख लो, 6 महीने 1 साल, या फिर कितने सारे लोग हैं जो दे के बैठ चुके, लॉसेस कर चुके, फिर भी बनना है तो वही तो ठीक है, बनिए, आपकी है। पर एक खुद सोच के देख लेना कि अगर क्विक मनी होता या सभी गाड़ियाँ खरीद पाते या लाखों रुपये रोज ही, तो क्यों लोग अलग अलग पढ़ाई करते या अलग अलग कुछ सोचते, सब स्टॉक मार्केट के बारे में ही सोचते। तो आप गुमराह हो रहे होंगे ये सब वीडियोस रील्स देख के, इनके अलग अलग मल्टीपल इनकम सोर्स होते, ये उनसे ही इनकम करते, वही आपको दिखाते,
आप 10,000 पे अगर 1,000 रुपये कमाते होंगे तो वो 10 लाख पे आपको 1 लाख कमा के दिखाते हैं। दोनों में परसेंटेज सेम है, 10-10%, बट आपको वो 1 लाख रुपये देख के बहुत अच्छा लगता है। आप भी 10,000 में 1,000 रुपये बनाए किसी दिन तो आप भी बता सकते हो, वैसे ही वो 10 लाख में 1 लाख बताते बनाते और उस दिन दिखाते। तो अभी भी टाइम है, अगर मुझे बस ये वीडियो से एक ही बोलना था कि मैं हमेशा जो है वो लोगों को जो है वो रियलिटी बताना चाहता हूँ। मैंने जो मेरे लाइफ में मुझे स्टॉक मार्केट ने सब कुछ दिया, मेरी लाइफ जो है वो उसने बदली, क्योंकि एक होप नहीं थी कि मैं ज़िंदगी में क्या कर पाऊँगा। अगर किसी ने जो स्टॉक पे मेरा देखा नहीं होगा जर्नी, तो वो देख लेना, पहली बार अगर देख रहे होंगे वीडियो तो उसमें मैंने पूरी जर्नी शेयर की है। जब उम्मीद नहीं थी ज़िंदगी से तो स्टॉक मार्केट लाइफ में आया और एक उससे मैं इनकम कमा पा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बहुत करोड़पति हो गया या कुछ, मेरी लाइफ चल रही है और जो रियलिटी वाली इनकम है वो कमा पा रहा हूँ, एटलीस्ट लॉस तो नहीं कर रहा हूँ। तो बनता है पैसा, बट जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए वो रखनी होगी। अंधाधुंध अगर कुछ भी सोचोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब लोग वही कर रहे होते, ठीक है। तो हमेशा मैं रियली रहा हूँ और मेरे चैनल पे आपको रियलिटी वाले, साइकोलॉजी वाले या फिर मार्केट की जो डार्क रियलिटी है, ट्रूथ है, वही आपको जो है मैं बताने की हमेशा कोशिश करता हूँ। मैंने हमेशा जो है वो कोई कोर्स नहीं बेचा अभी तक। मैं स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो गया या फिर वो लेवल तक पहुँच गया कि कंसिस्टेंट कमा पा रहा हूँ, इसलिए मैंने कोर्स लॉन्च किया, क्योंकि बहुत जनों के रिक्वेस्ट आ रहे थे इसलिए मैंने लॉन्च किया। इसके मैंने कभी ऑप्शंस ट्रेडिंग कभी प्रमोट नहीं की। इसके पहले भी मेरा बेसिक वाला ही कोर्स अवेलेबल था, जो जिनको जीरो नॉलेज है उनके लिए अवेलेबल था। ऐसे भी लोग हैं अभी भी कि जिनको जीरो नॉलेज है उनके लिए वो अवेलेबल था। कभी मैंने गलत नहीं की, क्योंकि गलत जो चीज़ें हैं वो कभी ना कभी निकल ही जाएगी। और मैंने जो लाइफ में जो भी कुछ बुरा समय देखा है तो उससे मेरी ये लर्निंग रही है कि हमेशा सच्चा रहना है या फिर जो सच है वही रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उसकी सज़ा मिलती है या फिर कोई ना कोई होता है जो ऊपर वाला होता बोल दीजिए या फिर नेचर होता है, यूनिवर्स होता है बोल लीजिए, वो आपको देख रहा होता है। तो वो कभी ना कभी चीज़ें निकल ही जाती है। तो इसलिए जो मेरे लाइफ में काम किया, जो मेरे लाइफ में सच में जो जिससे मैं पैसे कमा रहा हूँ, वही मैं प्रमोट करता हूँ, वही मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। वीडियो बहुत दिनों बाद आया, अभी 10-11 दिन हो गए मेरा वीडियो आया, क्योंकि थोड़ा बिजी था। ये गणपति वाला जो फेस्टिवल होता है, ये मेरे पूरे साल भर में बहुत अच्छे दिन होते हैं और सबसे फेवरेट दिन होते हैं, इसलिए थोड़ा इसमें मैं इन्वॉल्व रहता हूँ। बट अभी रेगुलरली वीडियोस बहुत दिनों से बोलते आ रहा हूँ कि डालने की कोशिश करूँगा, बट वैल्यूएबल कंटेंट, स्ट्रैटेजीज़ या फिर और नॉलेजेबल कुछ रील्स वीडियोज़ भी आने की कोशिश करूँगा। और मुझे 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ आई है पॉडकास्ट की, तो वो पॉडकास्ट भी जल्दी आएंगे, यही मंथ में हो, आशा करता हूँ कि जल्दी यही मंथ में आ जाए या फिर नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आ जाए, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ से भी लर्निंग मैं देने की कोशिश करूँगा। तो हमेशा रियल रहो। तो अभी भी आप अगर कोई अलग दुनिया में होंगे तो मेरी बोलना यही है, अगर ये वीडियो देख के आपको कुछ लगता होगा कि सच में मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ बता देना, शेयर कर देना। बाकी मेरा काम हमेशा यही रहेगा कि लोगों को एक रियलिटी बताऊँ, लोगों को एक सच बताऊँ मार्केट का कि क्या है। सच में पैसा बनता है तो फिर स्लोली बनता है, ना कि क्विक मनी स्कीम है या फिर ना कि क्विक। कोई बोलता होगा कि ये कॉल ले लो, ये 90% ये वाली स्ट्रैटेजी यूज़ कर दो 90% एक्यूरेसी, या मेरा कोर्स कर लो या फिर इतना कामयाब हो जाएंगे। सब लोग वही कर रहे होते, लाखों के चार्ज करके वो सीख रहे होते उससे। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई सीक्रेट नहीं होता है, सब कुछ होता है वो आपके हाथ में होता है। बस मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको सिखा सकता हूँ, बस आपके हाथ में है कि वो आप उस पर कितना काम करते हो, ठीक है। तो जो बोलना था मैंने इस वीडियो में बोल दिया। बाकी अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना, ऑलरेडी सब्सक्राइब किया होगा तो लाइक कर देना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।